हेलो फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्यालय संगठन केबीएस में इंटरव्यू इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप सभी कैंडिडेट्स की अच्छी चल रही होगी। होप सो आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करते रहिए। आज का जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है केवी के लिए, वो है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके सर्टिफिकेट्स डिमांड किए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आप अपना रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में। सो वो सभी कैंडिडेट्स जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबसे पहले कंप्लीट करा के रख लीजिए, बनवा कर जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। सो ऐसे कैंडिडेट्स जो पीआरटी से इंटरव्यू देने वाले हैं, टीजीटी से इंटरव्यू देने वाले हैं, पीजीटी से इंटरव्यू देने वाले हैं, वो सभी कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे कि सर्टिफिकेट, ओबीसी का सर्टिफिकेट, एससीएसटी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, अगर आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन में रिजर्वेशन का लाभ लेना है, रिजर्वेशन कैटेगरी में आप आते हैं और रिजर्वेशन का लाभ लेना है, पर्टिकुलर लाभ लेना है, तो आपको क्या करना होगा, अपने सर्टिफिकेट पहले से ही बनवा कर रखने होंगे। स्मार्ट कैंडिडेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही कंप्लीट करा कर रखते हैं। आपके इंटरव्यू अब स्टार्ट होने वाले हैं, पीआरटी का भी रिजल्ट नहीं आया। सो पीआरटी के जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको मालूम है कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा, एग्जाम में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, वो कैंडिडेट्स भी अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही प्रिपेयर करवा लें, ओबीसी का, एससी का, एसटी का और EWS का। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि इंटरव्यू सामने है और इधर वो कंफ्यूज हैं कि सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, क्या करना है, क्या कुछ करना है। तो आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट एक टिप देने वाला हूँ, आप संगठन ज्वाइन करने जा रहे हैं, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप थोड़ा पर्टिकुलर रहिएगा। आप ऐसे ही नहीं कि कुछ भी कहीं से भी सुना उस पर बिलीव करके आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। किसी के सर्टिफिकेट पर एसडीएम के साइन है, किसी के सर्टिफिकेट पर तहसीलदार के साइन है, किसी के सर्टिफिकेट पर नायब तहसीलदार के साइन है, और आपको इवन ये नहीं पता कि हमारा जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने वाला है उसकी अथॉरिटी कौन है। उसके रिगार्डिंग आज मैं बात करूंगा, आज आपको पर्टिकुलर बताऊंगा। संगठन में आपको ज्वाइन करना है, थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस प्लेटफॉर्म से मैं ट्राई करता हूँ आपको ऑथेंटिक चीजें बताने की ट्राई करता हूँ, कोई एक्स्ट्रा इधर उधर का गोसिप मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, बिकॉज आप भी जानते हैं आपका भी टाइम कीमती है और मेरा भी टाइम कीमती है। मैं भी अपना कीमती टाइम में से निकाल कर आप लोगों के लिए ट्राई करता हूँ कि आपको जितना से ज्यादा हेल्प हो सके मैं करने की ट्राई कर रहा हूँ। और इसी के साथ जो हमारे नए व्यूवर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं, वो अगर एके एक्सप्रेस आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल कर ले, प्रेस कर ले, और वीडियो जो हमारे प्रीवियस वीडियो मेरा केवीएस टीजीटी एसएसटी का इंटरव्यू, कितने क्वेश्चंस पूछे गए, सारे क्वेश्चंस मैंने वन बाय वन करके बताए हुए हैं टीजीटी एसएसटी के इंटरव्यू के, वो भी सब मैंने अपलोड किया है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, उससे आपको 100% बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है और डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाने हैं, क्या ले जाना है, सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपको हेल्प मिलेगी तो कमेंट करके जरूर बताना। सो फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताना मुझे, वीडियो को लाइक करना, लाइक भी करोगे तो पर्सनली मुझे भी अच्छा लगेगा, वीडियो आप लाइक्स करते हैं और आपने इतना सारा प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। तो सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवी इंटरव्यू में आपको पर्टिकुलर कैसे रहना है, केवी टीचर्स की लाइफ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको ऐसे ही नहीं सब कुछ बाई रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करना होता है। आप केवी में आएंगे तो आपको भी वो चीजें एक्सपीरियंस से फील होंगी। रूल एंड रेगुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट हैं या एसटी है या फिर पीआरटी है। सो रूल एंड रेगुलेशन की बात करें सो इसमें आपको क्या करना है कि बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर रहना है। केवीएस की जॉब में आपको जो भी फॉर्मेट्स बताए गए हैं केवी के थ्रू, पहले तो आपको अपने फॉर्मेट्स चेक करने हैं, जो स्पेसिफाइड फॉर्मेट दिए गए हैं केवी के थ्रू वो आपको चेक करने हैं। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं करते हैं, केवी का फॉर्म अप्लाई करते टाइम या फिर कोई और फॉर्म अप्लाई करते टाइम आप
जॉब के लिए जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन रीड नहीं करते, एडवर्टाइजमेंट क्लियरली जो उसका एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है उसकी गाइडलाइंस आप रीड नहीं करते, इसलिए आप लोगों को कई बार बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम है और आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसके लिए मैं हूँ आपके साथ, मैं आपको करता हूँ गाइड एज ए मेंटोर, आपको मैं इसमें गाइड करूंगा। एडवर्टाइजमेंट रीड करना, एडवर्टाइजमेंट को स्टडी करना, बिफोर फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट उसको रीड कर लेना है, क्या क्या गाइडलाइंस है, आप रिजर्वेशन कोटे से हैं तो कैसे उसको बेनिफिट लेना है, क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, वो सारी चीजें आपकी प्रिपेयर हो। और इंटरव्यू से पहले पीआरटी के जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, इंटरव्यू से पहले ओबीसी का ऑल इंडिया सर्टिफिकेट, एससी एसटी वाले कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस और बाकी सभी जो और भी फॉर्मेट बनते हैं, ऐसा नहीं इन सब के लिए, डिफरेंटली एबल्ड वालों के लिए, सारे कैंडिडेट्स के लिए जितने भी हैं, मैं सब डिस्कशन करूंगा। वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखेंगे, बिकॉज मेरा पर्पज है वीडियो बनाने का, जो भी आपको बताने का, कि आपको एक सही दिशा मिले, सही गाइडलाइन, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप इधर उधर की चीजों में बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप भटक भटके ना कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, किस तरीके से सर्टिफिकेट। पीआरटी वाले अभी से सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ओबीसी का, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का जिसको बनवाना है, टीजीटी कैंडिडेट्स जितना जल्दी हो सके जैसे आज मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग रीडिंग करके अपने सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस कर लें, बेटर होगा। अपना डॉक्यूमेंटेशन पहले कंप्लीट रखें, अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी में काउंट कर दिया जाएगा या फिर आपके आपको गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, मैं यहां जो भी बता रहा हूं वो केवी एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। सो आपको याद रखना है, आप ऑथेंटिक चीजों को फॉलो करिए, मैं ये नहीं कहता कि आप आई एम द बेस्ट एंड परफेक्ट जो आपको, आप भी एडवर्टाइजमेंट रीड करिए, स्टडी करिए, एडवर्टाइजमेंट देखिए, आपका ड्यूटी है, आपने फॉर्म फिल किया है। सो मेरा हमेशा ट्राई रहता है कि मैं आपको पर्टिकुलर चीजें बताऊं जो बिल्कुल टू द पॉइंट है एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो अब बात करते हैं हम ओबीसी सर्टिफिकेट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर फर्स्ट, ओबीसी सर्टिफिकेट केवीएस इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपसे, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपसे एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है, केवी ने फॉर्मेट प्रोवाइड किया है पर्टिकुलर, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको अपना, उसमें क्लियरली लिखा है आपको अपना केवी ये फॉर्मेट प्रोवाइड किए गए हैं, इन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, आपको उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम देना है। सो नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं अब ओबीसी की, फिर एससी एसटी की बात करेंगे, फिर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप जितना जल्दी हो सके प्रिपेयर करा लें, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट आप लेटेस्ट प्रिपेयर करा लें, कोई बात नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। गाइडलाइंस पूरी कंप्लीट एक बार एडवर्टाइजमेंट की रीड कर लेंगे। ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी कैंडिडेट्स जो भी किसी भी स्टेट से जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको अपना ऑल इंडिया ओबीसी बनवाना है। ओबीसी के सर्टिफिकेट दो होते हैं, अब मैं क्लियरली आपके कंफ्यूजन, पूरा वीडियो कंप्लीट देखेंगे आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, होप सो, मैं ट्राई करता हूं कि बाद में आपका कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओबीसी की बात करेंगे, सो ओबीसी कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वहां जाएंगे तो जनरल कैटेगरी में आपको, आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम नहीं होगा तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। और सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ओबीसी वाला, अब ओबीसी वाले जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, वो ध्यान से सुन लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग जो भी एडवर्टाइजमेंट मैं रीड करके भी आपको बताऊंगा कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट कि आपको किस तरीके से करना है प्रिपेयर। सो ओबीसी वाला ही सबसे कंफ्यूजिंग है और बाकी भी कंफ्यूजिंग है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं। ओबीसी की बात करें तो सबसे पहले हमारा ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एक क्वेश्चन होता है कि सर हमको क्रीमी लेयर का बनवाना है, सीएल का या नॉन क्रीमी लेयर का। अब क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर कौन सा सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, आप रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ लेने जा रहे हैं तो सर्टिफिकेट की डिमांड की जाएगी आपसे नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर एनसीएल सर्टिफिकेट की आपसे डिमांड की जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रीमी लेयर क्या है, नॉन क्रीमी लेयर क्या है। क्रीमी लेयर एक ओबीसी में कैटेगराइज किया गया है, जैसा कि हम कह सकते हैं ओबीसी के भी अमीर और ओबीसी के गरीब। तो ओबीसी के
अमीर हो जाएंगे क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ओबीसी कैटेगरी के ही गरीब लोग उनको नॉन क्रीमी लेयर में रखा गया है, उनको रिजर्वेशन का ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। और क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर कौन होता है, तो क्रीमी लेयर में वो कैंडिडेट्स होते हैं, उन कैंडिडेट्स को क्रीमी लेयर में रखा जाता है उन जिनका फादर का इनकम चेक किया जाता है लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर को चेक करेंगे। जैसा अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी से पिछले लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर चेक करेंगे, अगर आपके फादर की इनकम 8 लाख से अबव है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे। ध्यान रखना है कि जिसका वेरिफिकेशन होना है डॉक्यूमेंट्स का, एस्पिरेंट्स के फादर की इनकम देखी जाएगी, और वो भी लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर। अब बात करते हैं कैंडिडेट के जो गार्जियन है, फादर की इनकम चेक कैसे की जाएगी, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी या एग्रीकल्चर इनकम इसमें काउंट नहीं की जाती, पर मंथ सैलरी या जो भी है एनुअल इनकम, एनुअल सैलरी, ये दोनों चीजें इसमें काउंट नहीं होती। अगर काउंट होगा तो लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर से वो एक ही स्टेटस पर आपका इनकम बना हुआ है। सो क्रीमी लेयर में किसको रखा गया है, जल्दी से इसको करते हैं कंप्लीट, पहले क्रीमी लेयर को चेक करते हैं। नंबर फर्स्ट, अगर आपके माता पिता संवैधानिक पद पर हैं, प्राइवेट सेक्टर में अगर आपके माता पिता फादर मदर में से कोई पीएसयू कंपनी में मैनेजर रैंक पर है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे, या फिर आपके फादर गजेटेड ऑफिसर हैं ग्रुप ए में है, प्राइवेट सेक्टर में आप मैनेजर की पोस्ट पर हैं या फिर गजेटेड ऑफिसर हैं, तो ग्रुप ए में जो मदर फादर में से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे। नंबर नेक्स्ट, आपका अगर कोई मदर फादर में से आपके माता पिता में से कोई भी एक ग्रुप ए में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो ये आपका क्रीमी लेयर में रहेगा। ये हो गया अगर फादर आपके ग्रुप बी में रिक्रूटमेंट है, डायरेक्टली रिक्रूटमेंट हुआ, जैसे ग्रुप बी में रिक्रूटमेंट होता है केवीएस का, आप केवीएस में ग्रुप बी में रिक्रूटेड होगा आपका, तो आपके अगर फादर ग्रुप बी में रिक्रूटेड है और 40 साल की एज से पहले पहले वो ग्रुप ए में प्रमोट हो जाते हैं 40 ईयर्स की, तो भी अगर आपके फादर सिंगल तो वो मींस मदर जॉब पे नहीं है तो फादर ही, अगर ग्रुप बी में रिक्रूटेड हुए हैं 40 ईयर्स से पहले पहले वो अगर आगे हैं ग्रुप ए की सर्विस में प्रमोट हो गए तो भी, अगर आपके फादर कोई आर्मी कर्नल या इस तरीके से हैं बड़े पोस्ट पर हैं आर्मी में कर्नल रैंक से ऊपर हैं तो आप भी क्रीमी लेयर में आएंगे। तो ये तो हो गया क्रीमी लेयर का बात, क्रीमी लेयर में कौन आते हैं। नॉन क्रीमी लेयर का आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस दी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, सो क्लियरली लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट के पेज नंबर 14 पर आप आएंगे, यहाँ पर गाइडलाइंस लिखी हुई है सर्टिफिकेट्स कैसे प्रोड्यूस करना है आपको, कैसे आपको जनरेट कराना है आपका सर्टिफिकेट। अब हम डायरेक्ट एकदम एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, 15/2022 एडवर्टाइजमेंट नेम है और इस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग ओबीसी क्या है, ओबीसी कैंडिडेट हु बिलोंग टू द क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द कंसेशन एडमिसिबल टू द ओबीसी कैटेगरी। सो ये नंबर सेकंड गाइडलाइन में पढ़ रहा हूं जो आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, तो नंबर सेकंड पॉइंट है इसका पेज नंबर 14 पर, अगर आप क्रीमी लेयर में हैं तो आपको क्या होगा, एंटाइटल नहीं है कंसेशन के लिए ओबीसी कैटेगरी के रिजर्वेशन का। सच कैंडिडेट्स हैव टू इंडिकेट देयर कैटेगरी एज जर्नल, ऐसे कैंडिडेट्स को अपनी कैटेगरी जर्नल ही इंडिकेट करनी होगी। ओनली दोज ओबीसी कैंडिडेट्स विच आर एप्लीकेबल फॉर द अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे कैंडिडेट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एंटाइटल्ड हैं। सो कौन से कैंडिडेट होंगे एंटाइटल आपके लिए, विल बी कंसिडरेबल ए कैंडिडेट हु क्लेम्स, ऐसे कैंडिडेट्स को ही कंसिडर किया जाएगा जो बिलोंग करता है ओबीसी और बो ब्लिक में ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर। सो ओनली इसमें क्लियरली लिखा हुआ है ओनली दोज ओबीसी कैंडिडेट्स वही कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे जो एनसीएल कैटेगरी में है, सबमिट अ सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर 1 और एक सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। ये गाइडलाइंस हैं, मैंने बोला है कि आपको केवी में आना है तो पर्टिकुलर होना है, ये एडवर्टाइजमेंट ओपन किया हुआ मैंने 2023 अभी जो आपका केवी इंटरव्यू होना है। सो क्लियरली लिखा है कि सर्टिफिकेट पर एज अनेक्सर 1 अवेलेबल इन द डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिक स्टोन केवीएस वेबसाइट इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम
फॉर्म द अपॉइंटमेंट इश्यूइंग अथॉरिटी एज द प्रोवाइडेड अंडर रूल। सो क्लेम करेंगे आप, एक सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे और एप्रोप्रिएट, क्लियर लिखा है, एक वर्ड यहां क्लियर लिखा है, एप्रोप्रिएट इश्यूइंग अथॉरिटी एज प्रोवाइडेड अंडर द रूल। रूल के अकॉर्डिंग जो भी आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको बनवाएंगे। एनेक्सर वन में इसके बारे में दिया हुआ है। सो सिमिलरली कैंडिडेट हु क्लेम्स बिलोंग टू वन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। अब हम बात करते हैं SC ST की। इसी के साथ एनेक्सर वन हम डिस्कशन करेंगे, हम फिर एनेक्सर टू एनेक्सर थ्री सभी डिस्कशन करेंगे हम आपके साथ। क्या आप सर्टिफिकेट दिया हुआ है, मैं वन बाई वन करके सबको आपको बता दूंगा कि एनेक्सर वन का अथॉरिटी कौन है, एनेक्सर टू में कौन कौन अथॉरिटी ऑथोराइज किया गया है, जिस किसको किस आप सर्टिफिकेट अपना जनरेट करा सकते हैं, बनवा सकते हैं। SC ST के बारे में बात करते हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं। सो ओनली सिमिलरली कैंडिडेट्स हु क्लेम्स टू बिलोंग वन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी शुड सबमिट सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर सेकेंड हैज अवेलेबल ऑन द डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश ऑन द KVS वेबसाइट फ्रॉम द अप्रोप्रिएट इश्यूइंग अथॉरिटी हैज प्रोवाइडेड अंडर द रूल्स। सो सेम यहां भी लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, फ्रॉम अप्रोप्रिएट इश्यूइंग अथॉरिटी से आपको पब्लिश कराना है, इसको बनवाना है। फिर नेक्स्ट हमारी है एडवर्टाइजमेंट EWS कैटेगरी। EWS कैटेगरी के बारे में बता दूं, द कैंडिडेट्स जो ए ऑप्शन है यहाँ पर रिटर्न किया गया है, कैंडिडेट्स हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC एंड हुज फैमिली ग्रोस एनुअल इनकम बिलो ₹8 लाख। जैसे मैंने अभी बताया, अभी आपको बताया था क्रीमी लेयर वाला भी 8 लाख, क्रीमी लेयर का बताया था मैंने, ओबीसी वाला, वो ओबीसी वाला है क्रीमी लेयर का। अब हम बात कर रहे हैं EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, जिनको कहीं SC ST OBC जहां पर कहीं पर भी उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला है और बिलो 8 लाख रुपीज सेल बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर EWS। द इनकम सेल इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट्स, जो इनकम इंक्लूड होगी जैसे कि एग्रीकल्चर, द इनकम सेल इंक्लूड इनकम फ्रॉम द ऑल सोर्सेस एग्रीकल्चर। अब EWS की बात कर रहे हैं, इनकम कहाँ कहाँ से इंक्लूड होगी आपकी, सैलरी एग्रीकल्चर, ध्यान रहे EWS की बात कर रहे हैं, सैलरी एग्रीकल्चर बिजनेस प्रोफेशन एटसेट्रा फॉर द फाइनल फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। तो फाइनेंशियल ईयर जो आपका एप्लीकेशन का ईयर है। ऑल्सो कैंडिडेट हुज फैमिली ओन्स और पोजेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट सेल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द आइडेंटिफाई फाइड एच EWS इरेस्पेक्टिव ऑफ फैमिली इनकम। अगर कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, 4 पॉइंट है, अगर उस क्राइटेरिया में आप हैं तो आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूड, आप उस क्राइटेरिया में रह रहे हैं। कैसे, 5 एकड़, 5 एकड़ आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है या उससे अबव, तो आप EWS के लिए एलिजिबल नहीं रहे, ये गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव, आपके पास रेजिडेंशियल फ्लैट जो है जहां रह रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट से, रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड एंड अबव द नोटिफाइड अबाउट अबव इन नोटिफाइड म्यूनसिपलिटीज, किसी म्यूनसिपलिटीज में रह रहे हैं आप और नोटिफाइड है वो और 100 स्क्वायर यार्ड से ऊपर है, रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड, रेजिडेंशियल आपका प्लॉट है 200 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन द एरिया अदर देन नोटिफाइड म्यूनसिपलिटीज, नोटिफाइड म्यूनसिपलिटीज के अदर आपका कहीं 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। सो ऐसी कैंडिडेट्स में, ऐसे कैंडिडेट्स को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब इसके बारे में नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी हेल्ड बाई अ फैमिली इन डायरेक्ट डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट प्लेसेज सिटीज वुड बी क्लब्ड वाइल अप्लाइंग द लैंड ऑफ प्रॉपर्टी। सो सारा प्रॉपर्टी क्लब होगा होल्डिंग द टेस्ट ऑफ द डिटरमाइंड EWS स्टेटस, तो आपका ये सब कंक्लूड होगा। द फैमिली फॉर द पर्पज विल इंक्लूड द पर्सन हु सीक्स बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, हिज और हर पेरेंट सिबलिंग्स बिलो द एज ऑफ 18 एज ऑल्सो हर स्पाउस एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18। तो ये कुछ और गाइडलाइंस इसके बारे में बताई गई है, बेसिकली आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग। द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन अंडर EWS बी अवेल्ड अपॉन प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इश्यूड बाई कंपोनेंट अथॉरिटी। तो एक यहां पर भी लिखा हुआ है,
इनकम का सर्टिफिकेट और एसेट सर्टिफिकेट जो आपका होगा कंपोनेंट अथॉरिटी से बनाओ। द इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इश्यूड बाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज गिवन इन एक्सटर थर्ड सेल बी एक्सेप्टेड एज कैंडिडेट एज क्लेम बिलोंगिंग टू द EWS। सो जो अथॉरिटीज हैं वो उसके अकॉर्डिंग आप उसको बनाएंगे। अथॉरिटीज की लिस्ट यहाँ प्रोवाइड की गई है EWS की। सो अथॉरिटीज की लिस्ट हम वन बाई वन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम OBC की चेक कर लेते हैं। सो जो अनेक्सर वन ओपन करते हैं, मैंने अनेक्सर वन डाउनलोड किया हुआ है। सो इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है क्लियरली, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ओबीसी का अनेक्सर वन फॉर्मेट जो है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर लेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, मैं पूरा कंप्लीट डिटेल आपको बता दूंगा। मैं 100% आपको बता रहा हूँ, वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो पेशेंस के साथ, पेशेंस भी होना चाहिए, बहुत जरूरी बात है। सो ओबीसी के लिए जो सर्टिफिकेट बना हुआ है, इसमें ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए क्लियरली मेंशन किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट IAS या डेप्यूटी कमिश्नर, लास्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डेप्यूटी कमिश्नर डेट वगैरह लिखी हुई है और नीचे सील स्टैम्प भी होना चाहिए। सील और जो सील अपना मोहर लगवाएंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डेप्यूटी कमिश्नर DC, हरियाणा जैसा कुछ स्टेट्स में DC बोलते हैं डेप्यूटी कमिश्नर, तो वहां से आप इसको इस तरीके के फॉर्मेट में बनवा लेंगे। तो ये तो हो गया आपका क्लियरली ओबीसी की बात कि ओबीसी का एज पर रूल आपको ये बनवाना है। तो PRT TGT PGT जितने भी कैंडिडेट्स हैं ओबीसी से हैं, नॉन क्रिमिनल लेयर में हैं, ये जो सर्टिफिकेट है इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना प्रिपेयर करा लेंगे। और इसका सर्टिफिकेट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से चेक करेंगे। अनेक्सर टू जो है ओबीसी के बाद SC ST कैंडिडेट्स के लिए आता है। SC ST कैंडिडेट्स का भी अनेक्सर टू इसमें दिया हुआ है और उसके लिए बहुत सारी अथॉरिटीज को असाइंड किया हुआ है, लिस्ट भी है, ये देखो क्लियर है लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज। मैंने कहा था ना आप एडवर्टाइजमेंट पढ़िए, एडवर्टाइजमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। आप इधर उधर कोई आपको बता रहा है कि नायब तहसीलदार का बना हुआ है, सही है, फॉर्मेट में होना चाहिए, कैसे सही है? आप किसी बात पर, किसी की स्टेटमेंट पर बिलीव भी करते हैं तो आप अपना खुद से सोचिए कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं। ऑथेंटिक चीजों पर आप बिलीव करिए, आपको खुद भी रियलाइज होगा आप इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं कि क्या ऑथेंटिक है हमारे लिए क्या नहीं। पर्टिकुलर चीज जो आपको बताई जाए, पर्टिकुलर थिंग, मैंने आपको क्लियरली बताया। बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी कि डॉक्यूमेंट ओबीसी SC ST और EWS का कैसे बनवाना है, बट आई नो कि कंप्लीट उसका क्या, किस तरीके से परफेक्ट सॉल्यूशन है और कैसे आपको प्रिपेयर करने हैं डॉक्यूमेंट्स, वो मैं आपको आप डिलीवर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। सो देखिए SC ST के लिए बहुत सारी लिस्ट बनी हुई है, इसमें बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर और फर्स्ट क्लास, स्टिपेंडेंट्री मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, तालुका मजिस्ट्रेट और भी बहुत सारे हैं, चीफ प्रेजिडेंशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेजिडेंशियल मजिस्ट्रेट, प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट, रिवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, क्लियरली मेंशन है, आप ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होना, परफेक्ट काम करना है। सब डिविजनल ऑफिसर्स ऑफ द एरिया आपका SDO, वेयर एज द कैंडिडेट्स एंड और फिर इज नॉर्मली रेजिडाइज। सो आपको ध्यान रखना है अपने एरिया से ही बनवाना है, जिस एरिया में आप रहते हैं उसी अथॉरिटी से बनवाना है, ऐसा नहीं कि बाजू के कलेक्टर से बनवा रहे हैं जाके, चलो हमारे DC नहीं बना रहे हैं तो बाजू वाले डिस्ट्रिक्ट, ऐसा नहीं करना है। अपने ही जो पर्टिकुलर जहाँ आपका आपका एड्रेस है, डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस है, जो भी आपका है पर्टिकुलर वहाँ से बनवा लें, क्लियर है, होप सो आपको 100% क्लियर होगा यहाँ तक। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो अच्छा लगा है ना तो आपको वीडियो में लगा है कि हमारे फेवर के लिए, जो बिल्कुल हमारा टाइम वेस्ट ना हो, चीज़ें अच्छे से बताई गई, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो ये हो गया अनेक्सर टू की बात। अनेक्सर थ्री का सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, उसमें क्लियरली मेंशन की हुई है नीचे चीजें, अनेक्सर थ्री का सर्टिफिकेट है और यहाँ पर है सिग्नेचर। अनेक्सर थ्री में हमारा EWS वाले कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल है, उसमें नीचे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ द ऑफिस, नेम ऑफिस के सिग्नेचर, फिर नेम, फिर उसका डेजिग्नेशन और सभी डॉक्यूमेंट्स पर
आप स्टैंप सील जरूर कराएं। स्टैंप्स जो अथॉरिटी है उसका सील स्टैंप जरूर लगवाना है आपको सभी डॉक्यूमेंट्स पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। ध्यान रखना है पीआरटी टीजीटी पीजीटी जो भी आप सर्टिफिकेट जनरेट करा रहे हैं, जिस भी इश्यूइंग अथॉरिटी से जनरेट करा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको स्टैंप जरूर करवाना है, सील मोहर जरूर लगवानी है अथॉरिटी की और फिर साइन करानी है। ये काम आप जरूर कर लें ताकि आपका वैलिड सर्टिफिकेट हो। ये बात की हमने EWS सर्टिफिकेट की कि किस तरीके से इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, साइन कराने हैं आपको, स्टैंप कराना है पहले फिर साइन कराने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैंने आपको दिया है। सो मैं आपको हमेशा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप टू द पॉइंट अच्छे अच्छे टिप्स भी बीच में बताता हूँ, इसलिए कहा था कि आप सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं वीडियो को कंप्लीट देखना। अब बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट वाले इश्यूइंग अथॉरिटी कौन कौन से। एडवर्टाइजमेंट में पेज नंबर 15 पर क्लियरली मेंशन है, सेम इसमें भी वही हैं जो SC ST वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर। ये मैं आपको सभी डॉक्यूमेंट्स का, अनेक्सर्स का और जो आपके एडवर्टाइजमेंट का 15/2022 वाला है, सो 15/2022 का जो भी एडवर्टाइजमेंट है आपकी वैकेंसी का, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसका लिंक, आप वहां से रीड जरूर करेंगे। देखिए आपको रीड जरूर करना है, उसको रीड करके स्टडी करके ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। और इसमें क्लियरली लिखा है कि ये 4 कैटेगरीज दी हुई है, ये कैंडिडेट्स एक्सक्लूड कर दिए। 4 कैटेगरीज दी हुई थी AWS में कि उनको एसेट के अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टी सब जगह की काउंट की जाएगी, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और 4 इश्यूइंग अथॉरिटी दी हुई है यहाँ पेज नंबर 15 पर, 14 नंबर पेज मैंने आपको कराया, 15 नंबर पेज पर एक और लिखा हुआ है, अकॉर्डिंगली दीज कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंटेशन स्टेज। तो ब्लैक हेडिंग में करके लिखा हुआ है इसको भी, आप अपने अकॉर्डिंग स्टडी करिए इसको, एडवर्टाइजमेंट का लिंक और एनेक्सर्स के लिंक और जितने भी फॉर्मेट्स हैं, नेक्स्ट जो फॉर्मेट्स है वो भी मैं बता रहा हूँ, सभी फॉर्मेट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाइए डाउनलोड करिए, देखिए उसको स्टडी करिए। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप दिया हुआ है, इन केस द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ TGT इंग्लिश हिंदी मैथ संस्कृत साइंस SST सोशल स्टडी अ वैलिड CTET सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द CBSE हाईलाइटेड करके दिया हुआ ब्लैक में, ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज एन एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये एक एलिजिबल क्राइटेरिया रहेगा आपके लिए, बहुत ही जरूरी रहेगा, CTET भी आपके पास सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा, लाइक तो करिए, लाइक तो करना बनता है ना, आपके लिए इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। सभी लिंक्स जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस TGT SST के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो मेरा रहा था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए स्टेप बाय स्टेप, सारे क्वेश्चन मैंने एक डायरी में लिखे हुए थे, वो सारे मैंने रखे हुए थे और सेफली उनको मैंने डिस्क्राइब करके आपको बिल्कुल अच्छे से बताया गया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और लेसन प्लान, डेमो लेसन कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक सेलेक्ट करने हैं SST कैंडिडेट्स के लिए, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, एड्रेस कोड कैसा रहना चाहिए आपका, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के लिए भी पूरा सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको, इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, एकदम ऑथेंटिक टू द पॉइंट वीडियो चाहिए, तो बेल आइकन को और सब्सक्राइब बटन को प्रेस जरूर कर ले, बेल आइकन से आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे KVK रिगार्डिंग। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, आपने इतना सारा प्यार दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार दिया है आपने यूट्यूब पे, आप सभी वीडियोस को लाइक्स करते हैं और हमारे साथ आप इतना कोऑपरेट कर रहे हैं कि टाइम की प्रॉब्लम सबको है, आप भी जानते हैं आपका टाइम प्रीसियस है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियोस प्रिपेयर करता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब लाइक्स तो बनता ही है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो भी आपका कन्फ्यूजन है, होप सो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करिए, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके रिप्लाईज दूंगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना डॉक्यूमेंट्स वाला ये वीडियो, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक जरूर करना। और इसी के साथ मैं आपको एक बार फिर थैंक्स कहूंगा कि एक एक्सप्रेस आपके यूट्यूब चैनल को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, आप सभी कैंडिडेट्स का बहुत बहुत थैंक्स, और आपके लिए मेरी विशेज हैं, हमेशा मेरी विशेज आपके साथ हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर जल्दी आऊँगा मैं, और एक एक्सप्रेस पर बने रहने के लिए, अपना इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक्स अ लॉट अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।